नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने पानी में कपड़े धुलते हुए और बर्तन धुलते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के चंबल इलाकों को डाकुओं का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है। इस इलाके में सबसे ज्यादा चंबल के बीहड़ डकैत रहते थे, हालांकि अब इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन इसी चंबल के इलाके में इन दिनों अवैध तमंचा और पिस्टल बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक कढ़ाई में बर्तनों की तरह साफ कर रही है, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। ये वीडियो इतना वायरल होने के बाद अब जाकर पुलिस की नींद खुली है। इसके बाद फिर वीडियो के आधार पर सही ठिकाने पर पुलिस पहुंची। घर पर चल रहे हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडा फोड़ कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, वैसे तो चंबल अंचल में यह कोई नई बात नहीं है जो इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे वीडियो पहले भी कई बार वायरल हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले जो वीडियो वायरल हुए थे, या तो हथियार के कारोबार करने वाले का वीडियो वायरल हुआ था या फिर फायरिंग करने वालों का। एक महिला को हथियार धोते हुए इस तरह का पहला वीडियो पहली बार वायरल हुआ है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला पानी में देसी कट्टे को धोते हुए दिखाई दे रही है। महिला ब्रश से बंदूक साफ करती हुई नजर आ रही है। यह घटना मुरैना जिले के महुआ पुलिस थाने के अंतर्गत गणेशपुर गांव में हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो सरताज लेखक नाम के ट्विटर यानी एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। वहीं पूरे मामले पर मुरैना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि मुरैना अवैध हथियारों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। चंबल अंचल में लाइसेंसी और अवैध हथियार दोनों ही बड़ी मात्रा में है। कई जगह ऐसी है जहां अवैध हथियार बनाने का काम और बिक्री खुलेआम होता है, जो इस वीडियो से साफ समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अवैध हथियारों के सौदागरों पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन इसके बावजूद अवैध हथियारों का धंधा खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।